एल्टन जॉन की विदाई का टूर इस साल जून में शुरू हुआ था और ये 2023 में पूरा होगा, जिसके साथ ही वे रिटायर हो जाएंगे। पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस के साउथ लॉन्स को उन्होंने म्यूजिकल लव फेस्ट में बदल दिया। यह भी उसी टूर का हिस्सा था। कॉन्सर्ट के दौरान यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उन्हें नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल देकर एक सरप्राइज दे दिया। यह उनके करियर का परफेक्ट सेलिब्रेशन है। यह मेडल लोगों को न्याय के लिए आगे आने के लिए मोटिवेट करने के लिए है। अगर आपने एल्टन जॉन के गाने नहीं सुने हैं तो उनके म्यूजिक के बारे में अपने पेरेंट्स से पूछिए। पिछले हफ्ते मिलान फैशन शो संपन्न हुआ। क्या आपको मालूम है कि इस बार का वह आकर्षण का केंद्र क्या था? इटली के प्रसिद्ध ब्रांड गुची ने शो के टाइटल गुची ट्विंस वर्क में 68 आइडेंटिकल ट्विंस पेश किए। उनके क्रिएटिव डायरेक्टर अलेसांड्रो माइकल ने यह थीम इसलिए चुना क्योंकि वे ट्विंस को और इस शो के साथ उनके बॉन्ड को आदर देना चाहते थे। साथ ही वे यह भी दिखाना चाहते थे कि एक जैसे शरीर पर पहने गए एक जैसे कपड़े कैसे अलग अलग दिखते हैं। शो के लिए यह कितना बोल्ड कॉन्सेप्ट है ना? इस सप्ताह का मुहावरा है परास्त करना, जिसका मतलब है हरा देना। नेवले ने सांप से लड़ते हुए अंत में उसे परास्त कर दिया। बूझो तो जाने, एक मंजिला है घर मेरा, उसमें रखा है हरा कंप्यूटर, हरा मेज, हरा बिस्तर, हरा कालीन और हरा नल। हर तरफ सब कुछ है हरा हरा, तो बताओ जरा सीढ़ी का रंग क्या होगा? एक मंजिला घर है इसलिए कोई सीढ़ी नहीं है। पहचानो कौन ये ब्रिटिश रॉक स्टार और गायक गीतकार, तो लेजेंडरी बैंड द पुलिस में सबसे आगे थे। संगीत के क्षेत्र में आने से पहले उन्होंने थोड़े थोड़े समय के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर, टैक्स कलेक्टर और बस कंडक्टर का काम करने के बाद 2 साल तक एक स्कूल टीचर के रूप में काम किया। उन्होंने 17 ग्रामी अवार्ड जीते। वे दुनिया की हाईएस्ट सेलिंग म्यूजिक आर्टिस्ट है। उनका एवरी ब्रेथ यू टेक सबसे अधिक गाया जाने वाला गाना है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये स्टिंग ही है। क्या आपको मालूम है कि जॉर्डन सम्नर अका स्टिंग को अपना यह आइकॉनिक निकनेम जैज क्लब में परफॉर्म करते हुए तब मिला जब उनके एक साथी को उनका स्वेटर देखकर लगा कि वह एक बी के तरह लग रहे हैं। वह हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। क्या आपको मालूम है कि लॉबस्टर के दांत उसके पेट में होते हैं? लॉबस्टर के पेट और उसके मुंह की दूरी बहुत कम होती है। इसके कारण लॉबस्टर अपना खाना अपने पेट में ही चबाता और पीसता है। खाना पीसने के लिए उसके पेट में 3 ग्राइंडिंग सर्फेसेस होते हैं जो मोलर सर्फेस जैसे होते हैं और उन्हें गैस्ट्रिक मिल कहते हैं। क्रैब और क्रेफिश जैसे जानवर भी इसी प्रकार के होते हैं। किस क्रस्टेशियन प्रजाति के पेट में दांत होते हैं जो शिकारियों को डराने के लिए परेशान करने वाले शोर पैदा करके उनका इस्तेमाल करते हैं? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। एक गोल्फ बॉल में 336 डिंपल होते हैं। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आईग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल के उद्यत कालरा का हार्दिक अभिनंदन।